प्रश्न एक में, यदि आप एक कतार में किसी अंत से 11वें नंबर पर हैं तो कतार में कितने व्यक्ति हैं? देखिए ये कह रहा है कि इफ किसी लाइन में आप दाईं तरफ से भी 11वें स्थान पर हैं, बाईं तरफ से भी 11वें पर हैं, तो कुल कितने हुए? अब 11 और 11 तो 22 हुए, लेकिन आप जो है दाईं तरफ से भी गिने जा चुके हैं और बाईं तरफ से भी, इसलिए एक कम कर देंगे, कुल कितने होंगे? 21 उसमें सदस्य होंगे। पी क्यू का भाई है, पी है भाई है क्यू का। उसके बाद देखिए आर क्यू की माँ है, तो आर क्यू की माँ है तो वो पी की भी माँ हुई। एस आर के पिता हैं, एस जो है पिता है आर के, और टी जो है एस की माँ है, तो टी की माँ है एस। पी जो है टी से कैसे संबंधित है? तो देखिए पी जो है उसके बेटे की जो बेटी है उसका बेटा है, तो इसका मतलब जो पी है वो टी का परपोता हुआ, ग्रेट ग्रैंडसन हुआ। प्रश्न तीन में, कई दवा नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग अडिक्टेड जो होते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, ये निष्कर्ष था, हमें बताना है कि निष्कर्ष कौन सी स्टेटमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। ड्रग्स लेना अपराध है, देखिए जब गिरफ्तार किया गया है इसका मतलब वो अपराध है, सही है। जो अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, ये भी सही है। और कई लोग नियमित रूप से ड्रग्स लेते हैं, नियमित रूप का मतलब वो अडिक्ट हैं, अडिक्टेड वही होते हैं जो नियमित रूप से लेते हैं, तो इसलिए ये भी सही है। तीनों को मिलाकर ही हम वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये हमारा विकल्प क्या हुआ, विकल्प ए इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न चार में दिए हुए आंकड़ों की एक श्रृंखला में से वर्गीकृत आंकड़ों के अनुरूप बनाए हुए समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पर तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, इस आकृति में भी एक दो तीन लाइनें हैं, यहाँ पर भी तीन लाइनों से बनी हुई आकृति है, तो ये एक अलग से समूह बन गया, एक तीन चार। अब देखें एक तीन चार ये समूह विकल्प ए में है, तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी समूह भी एक जैसी आकृतियों के ही बने हुए हैं। प्रश्न पाँच में इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ देखिए बी दूसरे स्थान पर है, ई पाँचवें पर, कितना जोड़ा? तीन। तो अब पाँच में तीन और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आठ। आठवें स्थान पर क्या होता है? एच। उसमें तीन जोड़ा 11, के 11 में तीन जोड़ेंगे तो एन आ गया। अब इन्हीं शब्दों को बी एक बार था, यहाँ दो बार बी लिख दिया, फिर एच, एच एक बार, फिर ई है, ई एक बार यहाँ है, तो इस खाली स्थान में ई आएगा क्योंकि ई को दो बार लिखेंगे, एच को दो बार, के को दो बार, एन को और क्यू को दो बार। तो इस तरह हमारा इसका उत्तर क्या हुआ, विकल्प बी हुआ। प्रश्न छः में अलग आकृति पता लगानी है, यहाँ देखिए ये है छः डॉट, ये जो डॉट हैं ये छः हैं, यहाँ पाँच हैं, यहाँ पाँच हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो ये जो तीनों हैं ये क्या है, विषम संख्याओं में डॉट हैं, यहाँ ये सम संख्या में है, तो ये अलग हो जाएगा। प्रश्न सात में 21, 30, 48 के जैसा सेट कौन सा है? 21 में 9 जोड़ते हैं तो 30 आता है, इसमें 18 जोड़ते हैं तो 48 आता है। इसी तरह 9 में 9 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे 36 आएगा, ये सही उत्तर है। प्रश्न आठ में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? तो ये प्रश्न आकृति देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये जो प्रश्न आकृति है ये आपकी विकल्प बी में निहित है। प्रश्न नौ में कौन सा विकल्प दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? तो विकल्प ए में देखिए यहाँ आर दिया हुआ है, लेकिन दिए गए शब्द में आर मौजूद नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न दस में किसी कागज के टुकड़े को मोड़कर हमने यहाँ पर कट लगाया है, इसको इस तरफ खोलेंगे तो दूसरा कट इधर होगा, दोनों इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ कट बनेंगे, तो चार हमारे कट बनेंगे जो पास पास होंगे, विकल्प बी में ये दूर है इसलिए गलत हो जाएगा, सी उत्तर होगा। प्रश्न 11 में 15, 12, 3, देखिए 15 और 12 को जोड़िए कितना बनेगा? 27। इसको 9 से भाग करेंगे तो उत्तर आता है 3। इसी तरह 44 और 28 को जोड़िए कितना बनेगा? 72। इसको 9 से भाग करें तो आता है 8। इसी तरह 64 और 53 को हम जोड़ें तो ये आ गया 117। इसको 9 से भाग करें तो ये कितना आएगा? 13 हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 12 में ADHMZWSN
ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। विपरीत का मतलब दोनों का योग 27 बने, ए पहले पर, जेड 26वें पर, योग 27। सी तीसरे पर है, इसका विपरीत क्या होगा? 24वां, 24 और 3 27, 24वें स्थान पर होता है एक्स, जो विकल्प सी में ही है, ये सही उत्तर है। प्रश्न 13 में 5 के बाद है 36, इसका मतलब 5 में एक जोड़ा, उसका वर्ग किया, आया 36। 6 के बाद क्या आएगा? 6 में एक जोड़ेंगे, उसका भी वर्ग कर देंगे, तो आएगा 49। प्रश्न 14 में 456 15, 7 8 9 क्या होगा? देखिए 4 5 और 6, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो सम बनता है 15। इसी तरह 7 8 और 9 को जोड़ेंगे तो सम बनेगा 24। प्रश्न 15 में दी गई प्रतिक्रियाओं में सही आकृति चुने, जो जब इसको पानी में देखा जाए, इसका जल प्रतिबिंब हमें बताना है। तो जल प्रतिबिंब के लिए आप कह सकते हैं कि दर्पण को नीचे रखा गया है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि जल नीचे होता है तो जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे से ही देखेंगे। तो ये अगर इस तरह का आपकी ये आकृति है, नीचे आप इसको देख रहे हैं, तो ये आकृति हमें इस तरह दिखाई देगी इसके प्रतिबिंब में। तो ये प्रतिबिंब इस तरह जो है, सिर्फ विकल्प बी ही ऐसा है जिसमें ये इस तरह हमें दिखाई दे रही है, ये उत्तर होगा। प्रश्न 16 में 7 5 4, 5 7 35 4, यहाँ देखिए 7 5, इसको उल्टा करके यहाँ से लिख दिया गया है 5 7, उसके बाद 7 और 5 की गुना 35 और 4 अंत में, यूं का यूं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, यहाँ पर भी क्या होगा, 5 अंत में आएगा, सब में है। 6 8 को क्या लिख देंगे हम, 8 6, तो 8 6 यहाँ पर है, ये गलत हुआ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। अब 8 और 6 की गुना 48, 48 जो है सिर्फ विकल्प डी में है, ये उत्तर होगा। प्रश्न 17 में ए आदमी एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो शुरू किया, 2 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर खड़ा है? तो अब वह देखिए किस दिशा में उसका चेहरा है, दक्षिण दिशा में है, विकल्प ए होगा। प्रश्न 18 में देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए सिर्फ इसकी अंतिम लाइन से इसको हल कर सकते हैं। आकृति में कौन सा नंबर कुछ लोगों के सभी 3 टीवी चैनलों के देखने के तथ्य को प्रदर्शित करता है? सभी 3 टीवी चैनल, यहाँ देखिए 3 ही आकृति हैं जो अलग अलग टीवी चैनल को दिखाती हैं, और ये भी पूछ लिया कि तीनों ही टीवी चैनल जो देखते हैं, तो 3 टीवी चैनल है, 3 आकृति है, तो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा उत्तर होगा। हमें पूरी स्टेटमेंट इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जब 3 ही आकृति हो और तीनों के बारे में ही पूछा हो। 19 में किसी को भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये बयान है, कल्पना क्या है? गिरे हुए पत्ते हमारे कपड़े खराब कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये इस कथन से हम निष्कर्ष नहीं कह सकते। दूसरा है कि पेड़ रात में CO2 बाहर निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये साइंटिफिक एक कथन है, एक जो तथ्य है कि रात को पेड़ CO2 छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो इसलिए हमें नहीं सोना चाहिए, ये इसके लिए सही होगा। तो विकल्प 2 ही निहित है। इस आकृति में कितने घन हैं? यहाँ पर देखिए पहले कितने घन हमें दिख रहे हैं, 3 2 5 और 1 6 घन तो हम साफ देख रहे हैं। उसके बाद देखिए ये सबसे नीचे, उससे ऊपर, तीसरे स्थान पर ये है, तो इसके नीचे कितने घन होंगे? इसके नीचे 2 घन होंगे जिनके ऊपर ये टिका हुआ है, उसके बाद ये इसके आगे जो है इनके नीचे भी एक एक घन होगा, तो 2 घन वहां पर होंगे, तो कुल कितने घन हुए? 10। प्रश्न 21 में PQRST 6 किताबों को साथ साथ रखा गया है, RQT पर नीले रंग का कवर है, अन्य पुस्तकों पर लाल रंग का कवर है, S और U नई किताबें हैं बाकी पुरानी है, PRS कानून रिपोर्ट है बाकी भौगोलिक है, नीले रंग के कवर के साथ पुरानी भौगोलिकी की कौन सी 2 किताबें हैं? पहली बात तो नीले रंग के कवर के साथ, अब देखिए नीले रंग का कवर जो है RQ और T सिर्फ इन तीनों पे ही है, तो यहाँ यू है इसका मतलब उस पे नीले रंग का नहीं है, तो ये विकल्प हम काट सकते हैं। अब देखिए नीले रंग के RQT बच गया, पुरानी किताब
भौगोलिक होनी चाहिए, पुरानी भौगोलिक। एस और यू जो है नई किताब है वो भी हम चलो यहाँ है ही नहीं। उसके बाद देखिए पुरानी भौगोलिक की किताब होनी चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि PRS कानून की रिपोर्ट है, बाकी जो है भौगोलिक है। तो आर तो कानून की रिपोर्ट है इसलिए आर भी नहीं होगा, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 में, अमर एक मारुति वैन और एंथोनी एक रेसिंग कार मुंबई से पुणे के लिए उपयोग करते हैं। मारुति वैन 120 किलोमीटर प्रति घंटा और रेसिंग कार 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 12 मिनट के लिए ड्राइविंग के बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? 12 मिनट का मतलब हुआ इसको 60 से भाग करेंगे तो 1/5 घंटे ये बन जाता है। 1/5 घंटे में दूरी कितनी होगी दोनों के बीच? तो ये देखिए वो 210 की स्पीड से जा रहा था, वो जो है 120 की स्पीड से। तो 210 में से 120 हम घटाएंगे तो आता है 90। 90 को 1/5, 12 मिनट के बाद ये स्पीड का अंतर था, ये टाइम है। तो स्पीड और टाइम, समय चाल गुणा समय हमें देता है दूरी। तो ये दूरी आ जाएगी 18 किलोमीटर, हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, जेड को 26 लिखें। जेड 26वें स्थान पर है तो 26 लिख दिया। NET एन 14वें पर, ई 5वें पर, टी 20वें पर, जोड़ा सबको 39 बन गया। तो एन 14वें स्थान पर, यू 21वें पर और टी 20वें स्थान पर, सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 55 हमारा सही उत्तर आएगा, विकल्प सी। निम्नलिखित शब्द जोड़े में से कौन सा प्रत्यावर्तनीय और प्राकृतिक के जैसे संबंधित नहीं है? यहाँ ये देखिए आपको ये बताना है कि रिटर्नेबल और नेचुरल इसकी तरह कौन सा संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए इस जो ये रिटर्नेबल है इसमें नेचुरल के सभी जो अक्षर हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह देखिए ओरेकल के सभी अक्षर किसमें? रेसिप्रोकल में मौजूद हैं। यहाँ पर उसके बाद देखिए काउंटर के सभी जो हैं अक्षर जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। वायलिन के वायलेंट के भी सभी इसमें मौजूद हैं। पर जो आपका विकल्प सी है यहाँ पर देखिए ओ दिया हुआ है जो दिए गए शब्द में है ही नहीं, तो ये अलग हो गया। हमें गवर्न के लिए सही कोड बताना है। तो यहाँ पर देखें अगर आपको मान लीजिए बताना हो कि 59 पर कौन सा अक्षर होगा, तो पहला अंक पंक्ति को, दूसरा स्तंभ को दर्शाएगा। ये 5 की पंक्ति है, ये 9 का स्तंभ है, दोनों ने जहाँ काटा वो जी है, तो जी के लिए कोड 59 हो गया। इसी तरह गवर्न के लिए कोड विकल्प ए होगा। 59 पे जी हम देख चुके हैं, 89 पे देखते हैं। 8 की पंक्ति, 9 का स्तंभ, यहाँ ओ है। 67 6 की पंक्ति, 6 की पंक्ति, 7 का स्तंभ, यहाँ पर वी है। 22 पर 2 की ही पंक्ति, 2 का ही स्तंभ, यहाँ पर ई है। 98 9 की पंक्ति, 8 का स्तंभ, यहाँ पर आर है। और 21 2 की पंक्ति, 1 का स्तंभ, यहाँ पर एन है। तो गवन के लिए आंसर है विकल्प ए। तो ये था रीजनिंग के पोर्शन के बारे में। धन्यवाद।